नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर सीए शैलेंद्र सर जी जो है मौजूद हैं और सीए सर हमें बताएंगे कि अगर आपको लोन लेना है एनबीएफसी या बैंक से तो आपके लिए कौन सा बेटर रह सकता है, और अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपको किन किन कारणों से लोन मिलता है और ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में सर आपको बताएंगे कि अगर आपको मान लो लोन चाहिए तो आपको बैंक से लेना चाहिए या एनबीएफसी मोबाइल ऐप से लेना चाहिए, कहाँ से बेटर रहने वाला है, ताकि लोन लेने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि लोन महंगा रहा है, आपको महंगा मिला है। तो आपने ये सुना भी होगा कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसका ब्याज काफ़ी कम रहता है, और वहीं हम अगर किसी मोबाइल ऐप यानी कि एनबीएफसी के माध्यम से लोन लेते हैं तो लोन काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, साथ में प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है। तो अब हम सर से जानने वाले हैं, और सर जो है पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप जो है सर की बातों पर गौर दें, और जो सर आपको बताने वाले हैं ऐसे बहुत सारे लोग सर के पास डेली आते हैं, सर के ऑफिस में आते हैं, और हमने सर से रिक्वेस्ट करके आज आपके लिए इसीलिए सर को बुलाया है ताकि सर आपको सही से जानकारी दे पाएं। जिन लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से परेशान है, और ये हमेशा कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे लोन नहीं मिलता है, आपको लोन मिलता है, तो वो सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आज की वीडियो में दोस्तों वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सर किसी भी व्यक्ति को लोन लेने के लिए क्या करना चाहिए अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले लोन के लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे तो आधार कार्ड चाहिए हमें, पैन कार्ड चाहिए, जनरली ये सब तो इनके पास होता ही है, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बट हम जो सबसे मेन बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ITR। ITR का मतलब है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। तो ITR क्या भरने जरूरी है बैंक लोन के लिए कि बिना ITR के भी लोन मिल सकता है? तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा। बेसिकली ITR क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका इनकम का प्रूफ इस्टेब्लिश करता है। अगर कोई पर्सन मान लेते कोई जॉब करता है, तो जॉब वाले केस में तो क्या है, उसके अकाउंट में सैलरी हर बार आ रही है, भाई 20,000 आ रही है, 25,000 आ रही है, प्लस उसको फॉर्म 60 मिलता है कि आपकी सैलरी सर्टिफिकेट ये है। तो उस केस में तो अगर वो ITR नहीं भी भरता है तो बैंक वाले देख लेते हैं भाई कि यहाँ जॉब कर रहा है, ये इसका सर्टिफिकेट है, और हर बार इसके खाते में इतने पैसे आ रहे हैं। तो जॉब वालों के लिए तो एक बार के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न ना भी भरें तो भी उनको लोन मिल सकता है, क्योंकि बैंक वाला उनका इनकम का प्रूफ इस्टेब्लिश कर दे रहा है कि पैसे अकाउंट में उनके आ रहे हैं, रेगुलरली इनकम है। लेकिन हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, कई लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कई लोग अपने शॉप चला रहे हैं, कई लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो उनको फिक्स इनकम तो नहीं आ रही है, उनके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, पैसे अकाउंट से जा भी रहे हैं, लेन देन लगा हुआ है, तो लेकिन उनका प्रॉफिट क्या है, क्योंकि वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े बिजनेस मैन नहीं, अकाउंट्स उनके मेंटेन नहीं हो रहे हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में जब बैंक के पास वो लोन लेके जाएंगे तो बैंक वाले का पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको कितने का लोन चाहिए और कितने की EMI आप चुका सकते हैं। तो उस EMI को देखने के लिए कितने की चुका सकता है, बैंक को चेक करना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है। तो इनकम का जो प्रूफ है वो बैंक वाले उससे बोलते हैं कि आप भाई इनकम टैक्स रिटर्न लेके आ जाइए अपनी ITR। तो अगर पर्सन अपनी ITR भर रहा है तो उसको हेल्प मिलेगा बैंक को भी कि उसकी इनकम को वो देख सकता है, उसके आधार पर वो उसकी लोन की अमाउंट, उसकी EMI की अमाउंट फिक्स कर सकता है। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि जो लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, भले ही जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, एट प्रेजेंट क्या है 2.5 लाख से ऊपर आ किसी की इनकम है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, लेकिन 7 लाख रुपए तक उसकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। तो इवन आपके 2.5 लाख से कम भी इनकम है तो भी आप अपनी ITR भर सकते हैं। लेकिन 7 लाख रुपये तक टैक्स नहीं आएगा, 7 लाख के बाद टैक्स आता है। हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो उसमें किसी ने अगर 7 लाख तक इनकम कमाई है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो वो अपनी ITR भर सकता है, वो लोन के लिए उसको हेल्प भी करेगा, क्योंकि बैंक वाले जनरली डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई अपनी ITR लेके आ जाइए ताकि वो उसको इनकम का प्रूफ बना सके। मतलब बैंक से अगर लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो उसके लिए ITR जरूरी है। हाँ, इवन पर्सनल लोन की बात करें तभी भी जरूरी है अगर वो कोई और लोन लेने जा रहा है, सपोज हाउसिंग लोन है, सपोज कार लोन है, क्योंकि बैंक को मेन क्या चेक करना है कि भाई उसकी इनकम कितनी है। तो वो डॉक्यूमेंट है इनकम कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसने सबमिट किया है कि मेरी इनकम है, तो बैंक वाले उसी को आधार मान लेते हैं कि इसकी इनकम इतनी है, इसके बेस पे उसके लोन की कैलकुलेशन कर लें। इवन पर्सनल लोन में तो ये ज़्यादा काम आता है क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक को इनकम प्रूफ चाहिए। तो आधार पैन के अलावा एक ITR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमें टाइमली फाइल करना चाहिए जिसकी हेल्प से हमें बैंक से लोन मिलने में आसानी रहती है। तो ये जो ITR है ये कब भरी जाती है? ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक साल खत्म हो गया, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 23-24 समाप्त हो गया, तो ये लग गया अप्रैल महीना। तो वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद हम किसी साल के ITR भर सकते हैं, जैसे जो साल चला गया उसके समाप्ति के बाद जो नया साल आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो उस असेसमेंट ईयर में उस फाइनेंशियल ईयर जो चला गया पीछे उसकी हम ITR फाइल
कर सकते हैं। जैसे हमारे व्यूवर अभी देख रहे हैं और वो जानने की सोच भी रहे होंगे कि अगर हम अपनी आइडिया डालें लोन लेने के लिए, तो अभी हम अप्रैल के बाद कितने महीने के अंदर जो है आईटीआर भर सकते हैं? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आईटीआर की टाइमिंग क्या है और हमें कितने आईटीआर होने चाहिए बैंक लोन के लिए। देखो, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जब मार्च 31 चला गया, उसके बाद जो अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में आप अपनी आईटीआर भर सकते हो बिना लेट फीस के। हालांकि उसके बाद भी जाती है, लेकिन वो लेट फीस लगती है 1000 रुपये या 5000 रुपये, वो इनकम के हिसाब से है। तो अप्रैल शुरू होने से जुलाई तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक वाले लोन के लिए कितने आईटीआर चाहिए। हाँ। तो जनरली क्या होता है, बैंक को ये देखना होता है कि भाई ये प्रॉपरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा रहा है, डिपार्टमेंट को नहीं दिखा रहा है। कि ऐसा तो नहीं है लोन के लिए ही आईटीआर भर दिए। कई लोग क्या करेंगे कि लोन चाहिए तो लोन के लिए अपनी आईटीआर भर देंगे। तो जनरली बैंक 2 या 3 साल के आईटीआर मांगता है पीछे की, ताकि उसका ट्रैक देख सके पीछे से कि जी। तो मतलब अगर आपको लोन चाहिए बैंक से, तो आपको कम से कम 3 साल तक आईटीआर भरनी जरूरी होती है। हाँ। सर ने ऐसा बताया, तो ऐसा नहीं है कि इस साल आपने आईटीआर डाल दी और अगले साल आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम पिछले 3 सालों से आप आईटीआर जो है भरते हुए आ रहे होने चाहिए। जनरली बैंक का एक क्राइटेरिया रहता है कि ऐसा तो नहीं इसने आज ही लोन लेने के लिए अपनी, क्योंकि हम क्या है किसी भी साल में पिछले 3 आईटीआर भर सकते हैं। अच्छा। पिछले 3 आईटीआर भर सकते हैं विद लेट फीस जो भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईटीआर जाएगी नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी वित्तीय वर्ष में आप पिछले सालों के आईटीआर को भर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें आज, मतलब आज या जिस दिन भी हम आईटीआर भरने चाहें, तो पीछे 3 साल के आईटीआर भर सकते हैं, उस डेट में हम भर सकते हैं अगर हम, और उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या समस्या है, सपोज मैंने किसी पर्सन की आज आईटीआर फाइल करी और पिछले तीनों फाइल कर दी एक साथ या 2-3 के गैप में करी, तो बैंक के समझ में आ जाता है कि ये कोई कंसिस्टेंटली अपने आईटीआर नहीं भर रहा। ये तो अपनी इनकम दिखा रहा है इसलिए ताकि मुझे लोन मिल जाए और आईटीआर इसलिए भर रहा है वो। तो बैंक का एक क्राइटेरिया और भी है लोन लेने के लिए कि जनरली बैंक वाले आईटीआर में 6 मंथ का गैप मांगते हैं, 2 आईटीआर के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अलग अलग बैंक का अलग अलग है, बट जनरली उनका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि आपने लोन लेने के लिए आईटीआर भर दिए। तो जब हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि अपनी आईटीआर भर रहे हैं, तो हर साल एक एक साल का गैप छोड़ छोड़ के आप भराते रहिए। जब कभी बैंक लोन चाहिए तो अपनी आईटीआर वहाँ प्रोड्यूस कर दीजिए, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों क्या होता है, वो उसी टाइम आ रहे हैं कि हमें अब तो लोन चाहिए, अब हमारे आईटीआर भर दो। तो हम तो आईटीआर भर देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर एक्सेप्ट भी कर लेगा, बट जब बैंक के पास जाएगा, बैंक इस बेसिस पर चेक कर देगा कि इन आईटीआर के बीच में गैप नहीं है। तो देयर शुड बी ए गैप बिटवीन द आईटीआर, आईटीआर में गैप होना चाहिए, मतलब आईटीआर में 6 महीने का गैप होना चाहिए। अगर एक साथ आप पिछले 3 साल की आईटीआर भर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बैंक जो है आपको मना कर सकता है लोन देने के लिए, ये कहकर कि आपने स्पेशली लोन लेने के लिए जो है आईटीआर भरी है। तो ये भी है कि आईटीआर जब भी आप भरें, सर ने बहुत अच्छी बात बताई, तो कम से कम 6 महीने का गैप होना बहुत जरूरी है। और ये क्राइटेरिया बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, लेकिन गैप होना जरूरी है। अदरवाइज बैंक को लगता है कि आपने लोन अप्रोच करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, उस केसेस में वो केस को रिजेक्ट कर भी सकता है। अच्छा सर, एक बात और, किसी भी व्यक्ति को जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, बैंक से लोन लेना चाहिए या NBFC से, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं आता हूँ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और NBFC के भी ऐसी हैं। NBFC से लोन लेना थोड़ा सरल है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई क्रेडिट की एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड में पे करता हूँ, उस क्रेडिट की एप्लीकेशन में भी लोन आता है, तो वो एक तरह से NBFC है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो NBFC लोन में फ़ायदा है कि आपको एकदम से मिल सकता है, वो एकदम से खटैक्स हो जाएगा, लेकिन बैंक में जाके आपको चक्कर काटने पड़ेंगे कि आधार प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, फिर ITR चाहिए। लेकिन अगर आप NBFC से लोन ले रहे हो, तो ज़्यादातर NBFC सिबिल स्कोर को चेक करते हैं। अभी हम आएंगे सिबिल स्कोर पर, नेक्स्ट टॉपिक में क्या चीज़ है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो NBFC ट्रैक कर लेगा उसको कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, और आपको इंस्टेंटली वो लोन देते हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि NBFC का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली हाई रहता है बैंक से, क्योंकि बैंक्स तो देख चेक करके सब कुछ लोन देगा, लेकिन NBFC तो सिर्फ आपका सिविल स्कोर, थोड़ा बहुत आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा, उसके बेस पर लोन देगा। तो इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम NBFC द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी हायर एज कम्पेयर टू बैंक। फॉर्मेलिटीज़ लेकिन वहाँ पे क्या होती है, कम होती है, इंस्टेंटली आपको लोन मिल सकता है। बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है ज़्यादा है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि आप कहाँ से लोन लें। तो लोन लेने के लिए क्या सिविल का होना जरूरी है? हम समझते हैं कि सिविल का मतलब क्या है, बेसिकली इंडिया में क्रेडिट एजेंसी है सिविल, जो कि आपकी रेटिंग करती है। तो मतलब जैसा आपका रिस्क प्रोफाइल है, जैसा आपका लोन का प्रोफाइल है, उसके आधार पर रेटिंग करती है। मान लो 300 से लेके 750, 800, 900 तक की रेटिंग है। तो अगर आपने कभी बैंक से लोन लिया ही नहीं, सपोज़
तो उस केस में आपकी जो रेटिंग आएगी दैट इज -1। -1 का मतलब है कि आपने आज तक लोन लिया नहीं, आपको न्यू कमा रहे हैं उस लाइन में। तो अगर आपका सिविल स्कोर बैंक चेक कर लेगा, बैंक की साइट पे, बैंक अपने साइट पे चेक कर सकता है कि इसका सिविल कितना है, तो सिविल चेक करेगा -1, तो बैंक समझ जाएगा कि इस पर्सन ने अभी तक लोन लिया ही नहीं। अब उसको लोन देना है कि नहीं देना है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री तो नहीं है भाई। आप सपोज मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं, सर मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। अब मुझे क्या पता आपने उससे पहले उधार लिया ही नहीं, तो आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे केस में फिर बैंक का डिस्क्रिप्शन है, बैंक का जजमेंट है वो देखे। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर बना हुआ है और वो अच्छा है, सपोज किसी का सिविल स्कोर 750 है, 800 है, तो बैंक समझ जाएगा कि इसने लोन लिया था कहीं से, चाहे वो बैंक से लिया था, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, कहीं से भी लिया था। तो अगर वो उसको चुका रहा है टाइमली, तो उसका सिविल अच्छा होगा, सिविल अच्छा होगा तो उसको लोन बैंक इजीली प्रोवाइड कर देगा। इसके उल्टा करें अगर उसका सिविल स्कोर खराब है, वो बार बार डिफॉल्ट चला गया करता हुआ, मतलब जब पैसे मांगे उसने नहीं दिए, जब मांगे नहीं दिए और डिले करता चला गया, तो इसका मतलब है सिविल एजेंसी जो है उसका सिविल स्कोर कम कर देगी। और जब बैंक वाले उसका सिविल देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये बंदा सही नहीं है, मतलब ये डिफॉल्टर है, ये बार बार डिफॉल्ट करता है, तो उसको लोन अगर देंगे तो हम पर रिस्क ज़्यादा है। तो अगर सिविल बहुत ही ख़राब हुआ तब तो बैंक लोन देगा ही नहीं, अगर सिविल ठीक ठाक है मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, और सिविल बहुत ही अच्छा है तो ऐसे केस में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम देगा और इजीली उसको लोन प्रोवाइड भी कर देगा। तो मान लो अगर किसी का सिविल स्कोर 0 है तो उसको सिविल स्कोर कैसा बनवाना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिविल स्कोर होता ही नहीं है, उनको लोन की जरूरत पड़ती है, फिर NBFC या बैंक कोई भी हो, तो उनका सिविल स्कोर कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसे मैंने कहा कि जब किसी ने लोन ले लिया, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम बैंक से लोन लेने गया था, दैट टाइम माई सिविल स्कोर वॉज -1, मेरा सिविल स्कोर -1 था, तो लोन मैंने लिया नहीं था, तो बैंक थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि लोन दिया जाए नहीं दिया, कि उसकी हिस्ट्री नहीं है। तब मैंने अप्रोच करके छोटा मोटा लोन ले लिया उस समय, तो मैंने क्या किया, अपनी FD के अगेंस्ट एक लोन ले लिया जो मुझे इजीली मिल गया क्योंकि वो सिक्योर था, और उस लोन को मैं टाइमली चुकाता चला गया, तो उससे क्या हुआ मेरा सिविल स्कोर बनने लग गया। उसके बाद मैंने कई सारे लोन लिए और टाइमली चुकाया, तो ऐसे करने पे क्या हुआ मेरा सिविल स्कोर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। अब मैं बैंक पे अप्लाई करता हूँ लोन के लिए तो मुझे लोन इजीली मिल जाता है, बिकॉज मेरा सिविल स्कोर जो है 755+ है, तो ये स्कोर अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब है बैंक देखता है कि इसका ट्रैक ठीक है, अगर हम इसको लोन देंगे तो डिफॉल्ट नहीं करेगा। मतलब किसी भी इंसान को हम जो जानते हैं उसके पास हिस्ट्री से जानते हैं, भाई आपने मुझसे पैसे मांगे लौटा दिए, आपने मुझसे पैसे मांगे लौटा दिए, आप बार बार ऐसा कर रहे हो तो मेरा विश्वास बन जाएगा आप पे। सिविल वही चीज़ है, सिविल वो एजेंसी है जो उसको मेंटेन कर रही है कि इसने बैंक से लोन लिया चुका दिया, लोन लिया टाइमली चुका दिया, तो ये बंदा सही है। अगर इसको लोन देंगे तो लोन इजीली चुका देगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये मतलब, इसका महत्व है। मतलब FD के अगेंस्ट में हम अपनी ही FD के अगेंस्ट में जो है लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड लेकर सिविल जनरेट करा सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि किसी का सिविल अगर बहुत कम हो गया है, बहुत पुअर सिविल हो गया है क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया था, ये कोई ऐसा पीरियड था भाई उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, ये कई बार कोविड के टाइम पे भी लोगों का सिविल स्कोर बहुत कम हो गया था, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो अब वो अप्रोच करेंगे लोन के लिए तो बैंक मना कर देगा क्योंकि उनका सिविल स्कोर क्या है बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कोई सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, जैसे FD के गिरवी रख के सिक्योर करके लोन ले लिया उसने, क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया, उसको टाइम भी चुकाता रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो बहुत लंबे समय तक करेगा इस चीज़ को फॉलो, 1 साल 2 साल, तो उसका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मतलब जो डिफॉल्ट किया था वो तो रहेगा, लेकिन एक नया ट्रैक बन जाएगा कि इसने नया लोन लिया तो उसने लोन को रेगुलरली चुकाया है। तो ऐसे केस में अगर वो फिर अप्रोच करता है लोन के लिए तो इट इज़ क्वाइट ईजी कि उसको लोन मिल जाएगा। मान लो कोई बैंक से लोन लेना चाहता है, ठीक है जी सर, तो मतलब किसी को पर्सनल लोन की ज़रूरत है, वो ITR अपनी जो है भरना चाहता है, तो मतलब कितनी ITR पर कितना लोन मिल सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने जैसे बताया कि इनकम ही क्राइटेरिया है लोन देने के लिए। जैसे हमने बात करी थी कि ITR की जरूरी है क्योंकि ITR एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी इनकम को प्रूफ करेगा कि भाई आप इतने कमाते हैं, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने बोल दिया कि किसी आदमी की इनकम सपोज करते हैं वो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, तो 20,000 × 12 करेंगे 240,000 होता है, तो 240,000 उसकी साल की इनकम है, तो वो अपने ITR भर सकता है। मैंने बोला है कि 2.5 लाख से ऊपर तो कंपलसरी है भरना, ITR मैंडेटरी है, लेकिन 2.5 लाख से कम में भी वो भर सकता है। तो उसने अगर ITR भर दिया तो एक तो ये अच्छी बात होगी, उसके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें उसकी इनकम लिखी आ जाएगी साल के 2,40,000। इसका मतलब बैंक समझ जाएगा कि ये इसका मतलब 20,000 पर मंथ कमा रहा है, कितना, 20,000 × 12 240 होता है, तो बैंक समझता है कि 20,000 रुपये में से भाई 20,000 की EMI तो चुका सकता नहीं ना, क्योंकि 20,000 तो उसको कमा रहा है। अब 20,000 में से घर के खर्चे भी हैं, बच्चों की फीस भी है, उसके घूमने जाने का भी है, LIC भी है, तो बैंक मानता है कि 20,000 रुपये की इनकम में से 10,000 रुपये तो खर्च करेगा लगभग अपनी नेसेसिटीज़ पे, घर खर्चों में, बच्चों की फीस में, जो भी है, बचा कितना 10,000, तो लगभग वो 10,000 के आसपास की EMI चुका सकता है। तो 10,000 की EMI में कितने का लोन उसको देना चाहिए,
क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से बैंक का शेड्यूलिंग करेगा कि 10,000 तक की ईएमआई बने भाई इतने का इसको लोन हम दे सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, पता लगा 10,000 में से उसके पहले लोन चल रहे हैं और उसकी किस्त जाती है 3,000, तो 10 में से 3 तो वो खा जाएगा क्योंकि 3 तो चले रहा है, तो बैंक समझ जाएगा 10,000 खर्च करेगा घर में, 3,000 रुपये खर्च कहाँ पे करेगा जो लोन की ईएमआई देगा, तो वो 7,000 रुपये तक की ईएमआई दे सकता है। तो इस तरह लोन दिया जाएगा कि 7,000 तक की ईएमआई बने, डिपेंड अपॉन टेन्योर, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो बैंक का इंटरनल मैटर है, बैंक रिस्क प्रोफाइल देख के उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टेन्योर है वो तय करेगा। यानी कि बैंक सब कुछ देखने के बाद ही डिसाइड करता है कि कितना लोन जो है सामने वाली व्यक्ति को मिल सकता है, और जो उसकी बेसिकली लोन की क्षमता कितनी है वो उसकी इनकम पे ऊपर है। जिसकी ज़्यादा इनकम होगी भाई, मान लो रिलायंस कंपनी है उसकी इनकम अथा है, उसको लोन ज़्यादा मिल जाएगा, उनको पता है कि इस इनकम से चुका देगा, किसी की इनकम कम है तो उसको लोन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये बैंक का फिर इंटरनल क्राइटेरिया है कितने के लोन पे, कितने इनकम पे कितना लोन मिलना चाहिए, इनकम मस्ट है इसमें। सर लास्ट में मैं ये मतलब अपने व्यूअर के लिए जानना चाहूँगा कि वैसे मतलब इंसान को, कोई भी व्यक्ति अगर लोन के लिए लोन लेना चाहता है, उसकी नीड है, इमरजेंसी में कभी भी लोन की जरूरत पड़ सकती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत पड़ जाती है भाई, कई बार ऐसा होता है कि सैलरी आई समय से पहले खर्च हो गई, तो ऐसे में मेरे हिसाब से ITR तो भरनी ज़रूरी है, मतलब भरनी चाहिए ही अगर आप लोन लेते रहते हैं। और लास्ट में ये कि मतलब लोन बैंक से लेना चाहिए या NBFC से, अगर आप किसी एक को में मैं कहना चाहता हूँ, तो अगर आपको पर्सनल लोन के लिए जाना है ठीक है, और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब जैसे कि आपके पास ITR नहीं है लेकिन आपका ट्रैक अच्छा है, तो ऐसे केस में NBFC बहुत अच्छे हैं, क्रेडिट एप्लीकेशन है, इवन ग्रो जो कि एप्लीकेशन है उसकी क्या बोलते हैं DMAT की, उसमें मैंने देखा कि लोन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वो किससे लिंक करते हैं, वो सिबिल स्कोर से लिंक करते हैं उस एप्लीकेशन को, तो किसी पर्सन का सिबिल स्कोर अच्छा है क्योंकि पैन से सब लिंक रहता है, तो वो उसको लिंक कर देंगे NBFC के लोन का जो एप्लीकेशन है, तो वहाँ से लोन मिलने के लिए ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन किसी को बहुत, लेकिन वहाँ पे एक ये चक्कर है कि लोन की जो अमाउंट है वो कम रहती है, 5 लाख 3 लाख, बहुत सब केसेस में 1-2 लाख के आसपास, मतलब हाँ 1-2 लाख, या बहुत ज़्यादा बात करें अच्छा आपका क्रेडिट प्रोफाइल है तो 5 लाख तक का, तो छोटे लोन के लिए तो, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। लेकिन एक फायदा है कि आपको इमरजेंसी चाहिए, कोई मिसहैपनिंग हो गया तो आप उस एप्लीकेशन से इजीली लोन ले सकते हैं, इमरजेंसी में इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपके मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखता रहता हूँ, तो आपने बता रखा है कि उन एप्लीकेशन से लोन हमें कैसा लिया जाए। लेकिन किसी का सिविल स्कोर अगर गड़बड़ है तो उस केस में वो फंस जाएगा, क्योंकि NBFC समझ जाएंगे इसका सिविल खराब है, तो ऐसे केस में NBFC विल नॉट ऑफर लोन टू हिम, उसको लोन ऑफर नहीं करेंगे। फिर उसको बैंक के पास जाके वो जो हमने माध्यम बताया कि भाई अपना FD करवा ले, FD पे क्रेडिट कार्ड ले ले, छोटा लोन ले ले, फिर ट्रैक को ठीक बना ले, तब जाके उसको बैंक से भी और NBFC से लोन मिल सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको छोटा लोन लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको चाहिए और जल्दी चाहिए और आप मतलब प्रॉब्लम में नहीं जाता कि बैंक के चक्कर काटें, तो NBFC हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। सर की कैलाश सर की वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि एप्लीकेशन से हम कैसे लोन लें, तो उनको देख के आप NBFC से लोन ले सकते हैं। लेकिन आप बड़ा लोन चाह रहे हो और समय है हमारे पास, समय है और आप बड़ा लोन चाह रहे हो, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो ऐसे केसेस में तो आपको बैंक को अप्रोच करनी पड़ेगी। बैंक जाकर लोन लेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा, बट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही बैंक से लोन मिलेगा। तो सर ने आज आपको बताया कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या कोई भी दूसरा सिक्योर लोन लेना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन है, NBFC और बैंक। बैंक में आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करनी होती है, और अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, NBFC, यानी कि कोई भी जो है मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्लीट है तो आपको जो है बैंक में ही अप्लाई करना चाहिए, वो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है वहाँ पर, एक दो तीन दिन का समय लग जाता है कई बार, उसके बाद आपको जो है लोन बैंक से मिल जाता है, पर बैंक का जो ब्याज है वो काफ़ी कम रहता है, लगभग 1 से लेकर 2-2.5% के बीच मंथली रहता है। और अगर हम NBFC ऐप की बात करेंगे तो लगभग 2-2.5% से तो शुरुआत ही होती है, और मैक्सिमम 3-3.5-4% तक भी जो है इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है, क्योंकि एक फंडामेंटल है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो NBFC को रिस्क ज़्यादा लगता है, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है तो दे आर एक्सपेक्टिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन बैंक पूरा चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, फिजिकल विजिट भी करता है बैंक, तो उस केस में वहाँ रिस्क कि बैंक का कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या है कम है। अच्छा सर, एक हमारे व्यूअर अगर मतलब आपसे, आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास है और आपका ऑफिस चलता है, तो ऐसे में अगर आप किसी और टॉपिक पर, अगर हमारे व्यूअर चाहें कमेंट्स बॉक्स में, तो किसी और टॉपिक पर भी आप क्या लोगों को मतलब जागरूक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो एरियाज है वर्क का वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स, लोन्स, बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और GST का काम करना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग में कोई हेल्प चाहिए,
कोई कंसल्टेंसी चाहिए, या आपका कोई व्यूअर है जो कि आपका चैनल देख रहा है और लोन चाह रहा है, लोन के लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाह रहा है, तो आप मेरा नंबर, हमारा जो कॉन्टैक्ट है आप शेयर कर सकते हैं, हम उनको जो भी हेल्प होगा वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो सर की जो ईमेल आईडी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई भी आपको फाइनेंशियल नीड, कुछ भी आपको जरूरत है, कोई आप एडवाइस चाहते हैं, तो सर से जो है आप ईमेल पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सर आज की इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ आई होप आपका चैनल के ग्रो करें और इसको मोर मोर लाइक मिले। थैंक यू।